आज हम बनाने वाले हैं कोकनी मसाला तिलकुट, और उसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम कश्मीरी मिर्ची, 50 ग्राम काला तिल लेंगे, धनिया और जीरा लेंगे 1 टेबल स्पून, एक एक चम्मच लेना है दोनों भी, लहसुन लेंगे 1 मुट्ठी, नमक लेंगे स्वाद अनुसार। सब में पहले तो हमें सारी चीजों को सूखने डालना है, मिर्ची को भी एक दिन पूरा सुखाना है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इस तरीके की मिर्ची होना चाहिए पूरी ड्राई, और मिर्ची रख दूंगी साइड में। तिल को भी हमें धूप में सुखाना है, धने और जीरा को भी धूप में सुखाएंगे, और लहसुन की तरफ आएंगे। 1 मुट्ठी लहसुन ली हूँ मैंने, इसके मैंने पतले पतले टुकड़े की हूँ, इसे भी धूप में डालना है हमें पूरा एक दिन। अभी हम इसे भूनना शुरू करेंगे, गैस पे पैन रखी हूँ, पैन हमारा गर्म हो चुका है, बारीक आंच रखना है, और पहले मैं तिल ऐड करूँगी। तिल को हमें भून के लेना है, बारीक आंच में भूनेंगे। चम्मच चलाते रहेंगे और इसे कम से कम 5-10 मिनट अच्छे से भून के निकालेंगे। तिल हमारा भून के तैयार हो चुका है, इसे अभी निकाल के एक प्लेट में रख देंगे, इसे ठंडा करेंगे, और वही पैन रखूंगी फिर से गैस पे। इसमें धने और जीरा डालूंगी, इसे भी हमें 1 मिनट भूनना है बारीक आंच में। अक्खा धनिया और जीरा भी भून के तैयार है, इसे भी वही प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने तिल ऐड किया है, साइड में निकाल देंगे। फिर से पैन रखूंगी, इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक को भी भून के निकालना है, इससे मसाले खराब नहीं होते, तो नमक डालूंगी मैं 1 टीस्पून डालूंगी, और इसे भी हम बारीक आंच में भूनेंगे। नमक हमारा भून के तैयार है, इसे भी निकाल दूंगी उसी प्लेट में। फिर से पैन रखूंगी, अब इसमें लहसुन डालूंगी मैं, इसे भी हम भून के निकालेंगे 1 मिनट तक। लहसुन भी हमारा भून के तैयार है, वही प्रोसेस करेंगे, पैन से निकालेंगे, उसी प्लेट में रख दूंगी साइड में। अभी हमें लास्ट में मिर्ची भूनना है, तो बारीक आंच रखेंगे और मिर्ची भून के निकालेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, इसे हम 2 मिनट भूनेंगे बारीक आंच में। सारे मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, और अभी हम इसे पीसेंगे। मिक्सी पॉट लूंगी मैं, पहला मैं इसमें लहसुन डालूंगी, साथ में तिल भी ऐड करूंगी। इसे हमें दरदरा पीसना है, बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि तिलकुट का जो मसाला होता है वो दरदरा होता है, तो बारीक नहीं करना है हमें, एक फेरा लेना है। अभी नमक भी डाल दूंगी साथ में, इसका हम एक फेरा लेंगे। मसाला हमारा पीस के तैयार है, इसे मैंने दरदरा पीसा है, हमें इसे फिर से पीसना है। अभी मैं प्लेट में निकालूंगी इसे पहला, और वही मिक्सी पॉट में मैं मिर्ची ऐड करूंगी सूखी हुई, इसे भी हमें दरदरा ही पीसना है, ज्यादा बारीक नहीं करेंगे मिर्ची को भी, बस एक ही फेरा लेंगे। आपको पीस के बताती हूँ मैं। मिर्ची भी हमारी पीस के तैयार है, मैंने इसे दरदरा पीसा है इसी तरह से। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने पीसे हुए मसाले फिर से इसमें ऐड करेंगे। फिर से हमें एक बार फेरा लेना है, इस बार भी हम दरदरा ही पीसेंगे, ज्यादा बारीक नहीं करना है हमें। इसे मिक्स करेंगे और इसे एक फेरा लूंगी।
तिलकुट हमारा पीस के तैयार हो चुका है। मैंने इसे कटोरी में निकाली हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से। इसी तरह से दरदरा करना है इसे, और आप इसे डब्बे में भर के 6 महीना 1 साल चला सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। आप बाहर भी रखेंगे तो चलेगा, फ्रिज में रखेंगे तो भी चल जाएगा। और इसे सब्जियों में यूज करते हैं, इससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।